उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अपराधियों को भगवान सत बुद्धि प्रदान करे, इस आशा के साथ कोतवाली देहात सीतापुर में एक मंदिर स्थापित किया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली देहात बिमल गौतम तथा उनकी टीम एवं क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत आज दिनांक 7/9/2024 को गणेश चतुर्थी के दिन पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार ने मंदिर का फीता काटकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस मंदिर के विषय में एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार ने क्या बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स। देखिए, ये हमारा नया थाना बना था, इसमें एक पुराना मंदिर था जिसका आज थाना प्रभारी एसएचओ कोतवाली देहात और इनकी टीम के द्वारा और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है, पूजा पाठ किया गया है और एक प्रीति भोज जिसमें आसपास के हमारे स्थानीय संभ्रांत जन और थाना के लोग और आसपास के हमारे पुलिस परिवार के लोग सभी लोग आए हैं। इसमें मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। एसएचओ कोतवाली देहात और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई है इतना सुंदर मंदिर बनवाने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करके नवीन सिरे से प्राण प्रतिष्ठा करें। सीतापुर के जो हमारे सभी त्यौहार हैं आने वाले, जैसे अभी गणेश चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है और 12 उपवास है और आने वाले सभी त्यौहार, लोग बाग अच्छे से आपसी मेल भाव सद्भाव से और मेल जोल से मनाएं और जो हमारी सामूहिक साझा संस्कृति है उसका उत्सव मनाते रहें, लोग बाग अच्छे से रहें, यही संदेश है। थैंक यू।